हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 125th लेक्चर है। थर्ड टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार रिलेशंस को हमने कवर कर लिया है। आज हम इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को पढ़ेंगे। श्रीलंका के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं वो सब आज हम पढ़ेंगे। सो इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका की जो लोकेशन है काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी। जैसे इंडियन पेनिनसुला यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे श्रीलंका की लोकेशन है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। बाकी क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है, इंडियन ओशियन वैसे भी कंट्रीज के लिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो और श्रीलंका इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल 20 नॉटिकल माइल्स का ही जो डिफरेंस है वो है। हैज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एट मेजर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। हैज रेपरकशंस ओवर बोथ इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंडियाज जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब बाकी जो नेशंस हैं जिनके साथ हमारे साउथ एशिया के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ ऐसा है कि वो हमारे नेबर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे हम अलग वे से डील करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी साउथ एशियन नेबर्स हैं उनके साथ हमें अलग से डील करना पड़ता है, क्योंकि उसके रेपरकशंस जैसी हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे नेबर्स के लिए होगी, उसके रेपरकशंस जो होंगे हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी होंगे। सो दो दो वे से सोचना पड़ता है कि हमें अगर हम साउथ एशिया में कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना रहे हैं तो उसका एक तो हमें नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा और एक हमें डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस साउथ एशियन नेबर का की प्रॉक्सिमिटी जो है इंडिया के जिस स्टेट के साथ है, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु है, इनके साथ है, इनके पास है ये, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। सो हाउ टू डिस्क्राइब इंडिया श्रीलंका पॉलिसी सो फार, इट इज लाइक सेलिंग ऑन टू बोट्स। अब कौन से दो बोट्स हैं, एक है तमिल्स और दूसरा है सिन्हालिस। तो श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका की जो लोकेशन है उसके यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया, यहाँ पे जो है तमिल्स रहते हैं, यहाँ पे तमिल्स रहते हैं और नीचे जो है सिन्हालिस रहते हैं। तो उसके बाद है व्हाई इंडिया कुडंट गिव कंप्लीट सपोर्ट टू तमिल्स। तो यहाँ के जो तमिल्स हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं वहाँ पे ऐसा है कि जो सिन्हालीज हैं वो मेजॉरिटी में हैं और तमिल्स जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। सो क्या होता है कि जैसे सिन्हालीज अगर मेजॉरिटी में है तो गवर्नमेंट इनकी है, सब कुछ इन्होंने करना है, माइनॉरिटी वालों के ज़्यादा राइट्स नहीं देते हैं ये लोग। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें जो है, हमसे सपोर्ट मांगा गया था एक टाइम पे तमिलनाडु के लिए, जो तमिल्स थे, जो श्रीलंका के तमिल्स हैं, हमने एक बार सपोर्ट भी किया था लेकिन फिर ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, वो आगे चल के पढ़ेंगे। इंडिया जो है चाह के भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट तमिल्स को नहीं दे सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है तमिल्स की जो एस्पिरेशंस है उनसे डर है, क्योंकि तमिल्स जो हैं उस जगह के वो क्या कहते हैं कि सिसेशनिज्म की उनकी पॉलिसीज हैं, जैसे कि कंट्री से अलग होना, उसके बाद इंडियाज प्रॉब्लम्स इन कश्मीर के, वहाँ पे जैसे वो अलग होने का सोचते हैं, तो कहीं हमारे इंडिया के जो तमिल्स हैं, जैसे एक बार इन्होंने भी सोचा था अपना द्रविड़ा नाडु बनाने का कि अपना अलग से स्टेट बनाना है। उसके बाद है तमिल्स आर इन माइनॉरिटी एंड सिन्हालीज आर इन मेजॉरिटी, हेंस गवर्नमेंट हैज टू बी डोमिनेटेड बाय सिन्हालीज। तो क्योंकि वहां पे सिन्हालीज जो है श्रीलंका में मेजॉरिटी है उनकी, तो उनको गवर्नमेंट वगैरह को वही डोमिनेट करते हैं, वही उनके लोग वहां पे ज्यादा हैं। कंसीडरिंग इंडियाज पॉलिटिकल इंटरेस्ट वी कैनॉट लीव गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका इन एनी सिचुएशन। तो हम चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता कि श्रीलंका के साथ हम श्रीलंका को उनके हाल पे छोड़ दें या जो भी करना चाहें, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो जो वहाँ के तमिल्स हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी है वहाँ पे श्रीलंका में, तो उनको जो है उनके राइट्स का वायलेशन होता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है, वैसे किसी कंट्री में कुछ भी घटता रहे होता रहे दूसरी कंट्री को उससे क्या करना होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जैसे श्रीलंका में यहाँ पे उनके जो तमिल्स हैं उनके जो है, क्योंकि माइनॉरिटी है उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो इससे दिक्कत होती है यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में रहने वाले तमिल्स को। तो इनको दिक्कत होती है कि भाई इनके जो कह लो कि तमिलनाडु से ही होके श्रीलंका में गए हैं तमिल्स, तो इनको ये जो इस स्टेट के लोग हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इंटरफेयर करें श्रीलंका की पॉलिटिक्स में, ताकि जो तमिल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना पड़ता है श्रीलंका के पॉलिसीज में, अदरवाइज हमें कुछ ना लेना देना हो इनसे।
why India didn't give wholehearted support to Sinhalese. So, ab jo Sinhalese ko pura support kyun nahi diya? This is to put pressure on Sinhali government in case, kyunki yahan pe kya hota hai ki yahan pe jaise majority thi Sinhalese ki, government unki thi, to humne jo hai unki government ko pura support nahi diya, kyunki hum jo hai unke upar pressure dalna chahte the taaki wo in case they overlook India's national interest, India can play Tamil card. So, यहाँ पे ये है कि अगर वो हमारे interest को नहीं ध्यान में रखेंगे, तो हम जो है Tamil card खेल सकते हैं. इससे क्या होगा कि उनके domestic politics में instability आएगी. What advantage China has? So, China को यहाँ पे क्या advantage है? जैसे कि India का हमें पता है कि जो 20th century में century है, तब क्या था? India ने जो है अपने South Asian neighbors के साथ ज़्यादा अच्छे relations maintain नहीं किए थे, क्योंकि domestic politics में instability थी और India अपने ही problems में उलझा हुआ था और हमारी economy inward looking थी. हमें ज़्यादा किसी से कुछ लेना नहीं होता था और हमारे जो हमारे तरफ हमारे neighbors का जो रवैया था वो हमें ऐसे समझते थे कि हम उन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं, वो वैसे भी हमसे ज़्यादा रिलेशन रखना नहीं चाहते थे. तो अब चाइना ने इस बात की एडवांटेज ली और हमारे जितने भी नेबर्स हैं एक्सेप्ट भूटान, बाकी सब में जो है अपने पैर जमा लिए हैं. जैसे कि नेपाल में पढ़ा था हमने, म्यांमार में पढ़ा था, अब श्रीलंका में भी ऐसा ही है. चाइना हैज लुक्ड एट श्रीलंका फ्रॉम प्योरली जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. अब क्या है कि चाइना को इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना जो है उसकी लोकेशन श्रीलंका से बहुत दूर है. तो ये सिर्फ उसका जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखता है. चाइना नीड नॉट टू हैव एनी कंसर्न विद तमिल्स विच इंडिया हैज टू हैव बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कंसर्न. तो अब क्या है कि अगर श्रीलंका में तमिल्स के साथ कुछ भी बुरा होता है, तो तमिलनाडु की जो तमिलनाडु है वहाँ के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे प्रेशराइज ना भी हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो श्रीलंका जैसे पहले ज़्यादा टाइम कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही है, तो कांग्रेस में तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी यहाँ पे ज़्यादा पावर में रही है, उनका जो है कोलिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ. तो कांग्रेस के साथ कोलिशन है, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि जो सेंट्रल स्टेट वाली गवर्नमेंट होगी वो प्रेशराइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको दिक्कत है, यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट को दिक्कत है कि अगर तमिल्स के लिए, श्रीलंकन तमिल्स के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उनके लोग जो हैं तमिलनाडु के लोग हैं उनको वोट्स नहीं देंगे. तो इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल की गवर्नमेंट को डोमिनेट करती रही है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता था टाइम टू टाइम. सो उसके बाद है व्हाट हैज बीन श्रीलंकास पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया. श्रीलंका की पॉलिसी इंडिया के लिए कैसी थी? फॉर्मर पॉलिसी ऑफ श्रीलंका इज नॉन अलाइनमेंट. पहले इसकी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की थी और जैसे इक्विडिस्टेंट वाली जो हमारी भी वैसे नॉन अलाइनमेंट वाली ही थी, लेकिन यहाँ पे जो है किसी के साथ इन्होंने अलाइन नहीं किया. श्रीलंका नोज इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज पोजिशन वॉन्ट्स टू टेक बेनिफिट फ्रॉम बोथ. तो श्रीलंका का कुछ ऐसा ही रहा है कि एडवांटेज हर साइड से लेना है. चाइना उनके पास आ रहा है तो उनसे भी एडवांटेज लेना है, इंडिया से जितना मिल सके उनसे उतना लेना है. श्रीलंका नोज दैट देयर इज ग्रेटर इंडिपेंडेंसी ऑफ श्रीलंका. इंडिपेंडेंसी नहीं आएगा यहाँ पे, डिपेंडेंसी आएगा. श्रीलंका नोज दैट देयर इज ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑफ श्रीलंका ऑन इंडिया. उसके बाद है इंडिया हैज अ हायर लेवरेज बिकॉज ऑफ तमिल प्रॉक्सिमिटी, बट व्हेन श्रीलंका कम्स क्लोजर टू चाइना इट गिव्स मोर टेंशंस. अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे जैसे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे जितने भी हैं तमिल्स हैं, तो इनके साथ नॉर्मली अगर होता तो हमें एडवांटेज होती इनके साथ श्रीलंका के साथ डील करने में. अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने तमिल्स को उनके राइट्स दिए होते तो हमें बहुत फायदा होता, क्योंकि तमिल्स जो होते हैं फिर ये भी पॉलिटिक्स में होते, तो हम जो है श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी अपने फेवर में करवा सकते थे कि वो इंडिया के लिए, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करें. लेकिन अब दिक्कत ये है कि श्रीलंका और इंडिया की कुछ खास बनती नहीं, तो चाइना जब यहाँ पे आता है तो इंडिया को बहुत दिक्कत है, क्योंकि चाइना ने अगर यहाँ पे रूल कर लिया तो इंडिया को वैसे तो दिक्कत है ही, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के एकदम पास है. दूसरी बात ये है कि हमारी जितनी भी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे कि कुछ भी जो जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी यहाँ साउथ में है, और हमारा स्पेस स्टेशन जो है वो भी साउथ में है, और भी हमारे जितने भी बड़ी चीज़ें हैं वो सब जो हैं साउथ में है. तो हमें दिक्कत है कि अगर चाइना यहाँ पे पहुँच गया कुछ भी करके, तो हमें यहाँ पे यहाँ से दिक्कत हो सकती है.
उसके बाद इन रीसेंट पास्ट श्रीलंका हैज स्ट्रेंथन इट्स रिलेशंस विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना. सो अभी क्या है कि जो पहले वाले इसके प्रेसिडेंट रहे हैं श्रीलंका के, उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन किया है बहुत अच्छे से. श्रीलंका जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्ल एंड चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है आपने पढ़ी होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है पढ़ी होगी, जैसे इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ वो पोर्ट्स वगैरह में पोर्ट्स वगैरह या तो बनवा रहे हैं या फिर अपना वहां पे राइट्स ले रहे हैं. तो ऐसा करके जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है वहां पे श्रीलंका भी एक इम्पॉर्टेंट पर्ल है. श्रीलंका हैज ज्वाइंट वन बेल्ट वन रोड. तो श्रीलंका ने वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसको भी ज्वाइन किया है रिसेंटली. एज अ डेट इक्विटी स्वैप श्रीलंका हैज हैंडेड ओवर. तो यहाँ पे ये है कि श्रीलंका ने अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है लोकेटेड इन डीप साउथ ये चाइना को दे दिया है. तो ये उसका चाइना का पर्ल हो गया. यहाँ पे चाइना इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट. जो कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट श्रीलंका है वो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है. अब हम्बन टोटा पोर्ट भी इसको दे दिया है. तो इससे ये होगा कि चाइना अपनी, वैसे चाइना ने कह दिया था कि वो अपना मिलिट्री वगैरह यहाँ पे नहीं लाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है फ्यूचर में कभी भी वो ला भी सकता है अगर वो इंडिया के अगेंस्ट हो गया किसी बात को लेके. चाइना इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट. हिस्टोरिकली श्रीलंका हैज डिफेंस कोऑपरेशन विद पाकिस्तान. सो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का डिफेंस कोऑपरेशन है. प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका हैज बीन चीफ गेस्ट ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक डे. पाकिस्तान श्रीलंका वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म देयर रिलेशनशिप बियॉन्ड डिफेंस कोऑपरेशन. श्रीलंका स्टैंड ऑन, श्रीलंका का जो स्टैंड था 1962 की जो हमारी इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, तो इस पे जो है श्रीलंका का स्टैंड, श्रीलंका ने जो है चाइना को सपोर्ट किया था. इवन जब हमारी 1971 में जो इशू चल रहा था पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि तब बांग्लादेश बना था, तब भी श्रीलंका ने ऑफर किया था पाकिस्तान के प्लेन्स को भी कि वो यहाँ पे चाइना सॉरी श्रीलंका में, श्रीलंका की टेरिटरी से उनके प्लेन्स को रिफ्यूलिंग की बात की थी इन्होंने. सो रीजन ऑफ इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूट. तो इंडिया और श्रीलंका का जो डिस्प्यूट है इसका ओरिजिन कहां से हुआ. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ ऑल साउथ एशियन कंट्रीज हैज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड देयर रिलेशंस विद इंडिया. तो साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी हमारे हैं नेबर्स, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनके उनको एक ध्यान में रखते हुए वो कंट्रीज ने हमारे साथ अपने रिलेशंस को रखा है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दिक्कत है. नेबर्स में जैसे नॉर्मली दिक्कत होती है कुछ ना कुछ, कभी ना कभी होती है, तो इन नेबर्स में भी आपस में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें, उसकी वजह से ही हमारे जो है साउथ एशियन हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं हो पाए. वट वॉज डोमेस्टिक सिनेरियो इन श्रीलंका. तो श्रीलंका की डोमेस्टिक सिनेरियो कैसी है. श्रीलंका दो जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ऐसा श्रीलंका बना हुआ है. तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे साउथ और सेंटर में क्या है, साउथ और सेंटर में सिन्हालाज रहते हैं जहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है. तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो एग्रेरियन है, क्योंकि अच्छी रेनफॉल होती है तो एग्रीकल्चर अच्छी होती है. तो उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे दो, एक जाफना पेनिनसुला है और दूसरा वानी रीजन है. तो इसको डोमिनेट करते हैं तमिल्स. इट डजंट रिसीव इनफ रेनफॉल. तो ऊपर के एरिया में ज्यादा अच्छी रेनफॉल ना होने की वजह से जो तमिल्स हैं इन एरियाज में रहने वाले, ये ज्यादा डिपेंड करते हैं ट्रेड पे, कॉमर्स पे, और ज्यादा डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे. सो प्रेजेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका हैज इट्स रूट्स इन ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो यहाँ पे अब जो है, पहले कैसे होता था श्रीलंका है, जैसे यहाँ पे तमिल्स हैं, यहाँ पे सिन्हालीज हैं, पहले ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर. पहले सब ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसकी वजह से दिक्कत हुई. ब्रिटिशर्स की जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसमें हर कंट्री में उसने ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ है कि जो माइनॉरिटी है उनको इंटेंशनली फेवर करते थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर वो माइनॉरिटी को, उनका ये आइडिया था कि अगर माइनॉरिटी को फेवर करेंगे तो उस कंट्री में नेशनलिज्म को रोका जा सकता है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि माइनॉरिटीज को हमेशा मेजॉरिटी से प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि, लगता भी नहीं, होता भी है, खैर काफी जगह पे होता भी है. तो माइनॉरिटी को होता है कि मेजॉरिटी उन्हें डोमिनेट कर रही है, तो अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के साथ मिल जाए तब तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग आएगी, लेकिन अगर वो ना मिले तो चाह के भी सारा, जैसे पूरी कंट्री के लोग हैं एक नहीं हो सकते. तो ब्रिटिशर्स की वही पॉलिसी थी, उन्होंने वही पॉलिसी यहाँ पे भी चली. ब्रिटिशर्स ऑलवेज फेवर माइनॉरिटी बिकॉज ऑफ नेशनलिस्ट चैलेंज.
तो यहाँ पे क्या था, जो सिन्हालिस वगैरह थे ये इंग्लिश सीखना नहीं चाहते थे क्योंकि इनका काम ठीक चला था, क्योंकि वैसे भी ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे, इंग्लिश सीख के कौन सा इनको कोई जॉब वगैरह करनी थी, तो इनको इन्होंने ज्यादा इंग्लिश, जो सिन्हालिस थे इन्होंने ज्यादा इंग्लिश वगैरह यहाँ नहीं सीखी, लेकिन तमिल जो थे क्योंकि वो ट्रेड एंड कॉमर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में से ही उनका लाइवलीहुड था, तो उन्होंने क्या, वो विलिंग थे, उन्होंने इंग्लिश सीखी लैंग्वेज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश सीखने की वजह एजुकेशन में वो ही ऊपर रहे, एजुकेशन में वो ऊपर हो गए, एम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली जो पढ़े लिखे होंगे उनको ही इम्प्लॉय किया जाएगा। सो तमिल्स इन श्रीलंका कैटेगराइज, जो तमिल्स हैं श्रीलंका में उनकी भी दो कैटेगरीज है, एक टाइप के तमिल्स नहीं है, दो कैटेगरीज एक है, एक तो वो वाले तमिल जो एंशियंट टाइम में बहुत सेंचुरीज पहले वहां पे तमिल श्रीलंका में गए थे, दूसरे तमिल वो हैं जो सिर्फ कॉलोनियल टाइम पे गए थे, सो एक पुराने तमिल हो गए एक नए तमिल हो गए, टू सर्विस वो गए थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हर जगह, जैसे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में जैसे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर उनके उनको लेके गए थे वहां पे, ब्रिटिशर्स मेड कॉन्स्टिट्यूशन, तमिल्स वर ओवर रिप्रेजेंटेड, हेंस देयर वाज एंगर अगेंस्ट तमिल्स, तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया तो तमिल्स को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिली, डेफिनेटली मिलनी थी क्योंकि वो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लिश भी उनको आती थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां के उनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो वहां पे क्या हुआ कि दूसरे जो त, 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 तो इन तमिल्स के अगेंस्ट दूसरे लोगों में गुस्सा पैदा हो गया, सो एक्टिविटीज ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुई, जो हमने अभी पढ़ा ये तो इंडिपेंडेंस से पहले का है कि किस तरह से श्रीलंका डिवाइडेड है, उसकी ज्योग्राफी जो है कैसी है और किस तरह से वहां पे सारा कुछ है, उसके बाद आप पढ़ेंगे उनको इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, सिन्हालिस पोलिटिकल पार्टीज प्रेफर्ड मेजोरिटेरियन अप्रोच, अब क्या था कि पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ तमिल्स ने भी बनाई हुई थी, सिन्हालिस ने भी बनाई हुई थी, सिन्हालिस जो थे वैसे भी मेजोरिटी में थे तो वो उनकी गवर्नमेंट बन गई क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, सिंपल सी बात है, जो मेजोरिटी में होंगे उनको वोट ज्यादा पड़े तो वो पॉलिटिक्स को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, तो श्रीलंका स्टार्टेड विद पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहले वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था लेकिन धीरे धीरे करके वो सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप में चेंज हो गया, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट कैप्ट ऑन डिक्रीजिंग, अगर पार्लियामेंट के पास पावर होती तो तमिल्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलती, लेकिन उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज कर लिया खुद को, तो टाइम के साथ प्रेसिडेंट जो है अपने अपने अंदर जो है अपनी पोजीशन में पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करते गए तो पार्लियामेंट की पावर्स डिक्रीज होती गई, तो उसके बाद एक गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने दो एक्ट्स पास किए, एक तो सिटीजनशिप एक्ट था 1948 का, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसी वक्त इन्होंने सिटीजनशिप एक्ट पास किया, तो इन्होंने क्या किया, इट डिनाइड लार्ज नंबर ऑफ सो कॉल्ड इंडियन तमिल सिटीजनशिप, अब जो तमिल पहले से वहां पे रहते थे एंशियंट वो तो वहीं के सिटीजन हो गए थे क्योंकि बहुत सेंचुरीज रह रहे थे, लेकिन जो कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिशर्स जो लेके गए थे तमिल्स को, इंडियन तमिल्स को श्रीलंका में, जो नए जो जिनको ज्यादा साल नहीं हुए थे वहां पे गए हुए, तो ये कह के उनको सिटीजनशिप जो है नहीं दी गई, बहुत सारे जो इंडियन तमिल्स है उनको वहां पे सिटीजनशिप नहीं दी गई, इट इज टू बी नोटेड दैट सेम ईयर इंटरनेशनल कमिटी हैड अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ ज्यूज, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी दैट ऑल पर्सन विल पजेस नेशनैलिटी वंस दे लॉस्ट सिटीजनशिप, मैनी स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एज अ रेफ्यूजीज, अब दिक्कत क्या हुई कि जब इनको सिटीजनशिप मिली ही नहीं तो ये इसका मतलब है ये उस कंट्री के सिटीजन है ही नहीं, तो इनको कोई राइट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको श्रीलंका में गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो बहुत सारे तमिल्स ने, श्रीलंकन तमिल्स ने इंडिया में एज रेफ्यूजीज आना शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ इंडिया में वैसे ही इंडिपेंडेंस के टाइम पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया में और भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो ऐसे में इतने रेफ्यूजीज अगर आ जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे संभालेगी सबको, सो पर्पस ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट वॉज टू डिनाई देम वोटिंग राइट्स एंड थस पॉलिटिकली मर्चेंडाइज देम, इंडिया हैड टू इंटरवीन एंड अल्टीमेटली द मैटर वॉज सेटल बाय ईयर 2007, तो अब क्या हुआ कि जब इतने ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए तो इंडिया को भी इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि एक तो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर ये था कि रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा रेफ्यूजीज को कहाँ रखेंगे वो, तो दूसरा ये था कि जो इंडियन तमिलनाडु में रहने वाले जो इंडियंस हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, जो
तमिलनाडु में, इंडिया में ही रहते हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि ये वाले तमिल्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाए जो बाहर से आए हैं, क्योंकि वो उन्हीं के स्टेट के लोग हैं जैसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, बहुत बार किया, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, वो उनकी भी डेथ इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, श्रीलंकन तमिल्स के इश्यू से ही रिलेटेड है। सो उसके बाद कहीं जो आके 2007 में, आज से कुछ 12 साल पहले, मुश्किल से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, लेकिन अभी भी काफ़ी इश्यूज वहाँ पे हैं। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956। तो उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 पास किया गया, नोन एज सिन्हालीज ओनली। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ओनली सिन्हालीज विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये भी उन्होंने इंटेंशनली किया, अब जो तमिल्स है, क्योंकि वैसे भी वो तमिलनाडु से गए थे, तो उनको एक तो तमिल लैंग्वेज आती थी, तो दूसरा जो है उनको इंग्लिश आती थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सीखी थी। लेकिन इन्होंने इंटेंशनली सिन्हालीज जो मेजॉरिटी में थे, गवर्नमेंट में थे, इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज को रखा। ऐसे वो चाहते तो सिन्हालीज और इंग्लिश को भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को भी नहीं रखा, और ये जानबूझ के किया गया ताकि तमिल्स को एकदम से बाहर कर दिया जाए पूरे सिस्टम से। सो इवन इंग्लिश विल नॉट एक्ट एज लिंक लैंग्वेज, दिस वॉज टू अटैक देयर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इट बिसाइड्स अबव टू गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज ऑफिशियल रिलीजन। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया का तो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंटेंशनली बुद्धिज्म को वहां का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। तो सिन्हालीज जो थे उनका रिलीजन बुद्धिज्म था, जो इंडियन तमिल थे वो तो हिंदू थे, वो बुद्धिज्म को नहीं, बुद्धिज्म उनका रिलीजन नहीं था। तो कहने का मतलब है हर एक स्टेप ऐसा लिया गया कि तमिल्स को एकदम वहां से बाहर कर दें पूरे सिस्टम से। सो इंडिया हैड टू इंटरवीन फॉर तमिल्स कॉज। इंडिया हैड ऑफर्ड इट्स थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो इंडिया ने जो ऑफर किया, थ्री लैंग्वेज ऑफ फॉर्मूला को ऑफर किया, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज इंडियाज बिग ब्रदर एटीट्यूड। तो इससे क्या हुआ कि अब देखो इंडिया वैसे खुद जो है ये कहता है कि जैसे पंचशील को इन्होंने अडॉप्ट किया बाद में, वहाँ पे ये था कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। हम खुद नहीं पसंद करते थे कोई बाहर से आके हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे, लेकिन हमने श्रीलंका के, जैसे कि हमने बाकी साउथ एशियन नेशंस के साथ किया, वैसे ही हमने श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। चाहे हमारा कॉज अलग था, हम जो वो है तमिल्स के लिए कर रहे थे क्योंकि हमें करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी डेफिनेटली अब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट बिल्कुल तमिल्स को बाहर करना चाहती थी, अब इंडिया अगर बीच में जाके उनको उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा तो डेफिनेटली वो पसंद थोड़ी ना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया का जो बिग ब्रदर का एटीट्यूड है, तभी से ऐसे करके इंडिया को ऐसा कहा गया कि इंडिया बिग ब्रदर का एटीट्यूड रखता है, तो जानबूझ के दूसरे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको डोमिनेट करना चाहता है। अंडर इंडियन प्रेशर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर बैन, जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से बंदर नाइक एक्सेप्टेड द लैंग्वेज फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने काफी प्रेशराइज किया, तो उन्होंने थ्री लैंग्वेज वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर ही हैज असैसिनेटेड फॉर दिस कॉम्प्रोमाइज। अब दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने तो इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर के अंडर आके थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन श्रीलंका में सिन्हालीज की मेजॉरिटी थी, तो इस बात के लिए कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उनको मार दिया गया वहां पे। एक प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के मर गए और एक इंडिया के, इसी इशू की वजह से। सो रोल ऑफ जयावर्धने, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने, जैसे प्रेसिडेंट बने जयावर्धने, ही वॉज एट फोर फ्रंट ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट। तो वो क्या थे, जो लैंग्वेज मूवमेंट वहां पे चल रहा था उसके, उसको लीड कर रहे थे। ही वॉज अ राइटिस्ट सिन्हालीज पॉलिटिशियन विद द हार्ड अप्रोच टूवर्ड्स तमिल्स। तो ये जो थे, क्योंकि ये लैंग्वेज मूवमेंट को लीड कर रहे थे कि सिन्हालीज को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो इनकी जो अप्रोच थी वो पूरी तरह से तमिल्स के अगेंस्ट थे। बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट ही कुड कम टू पावर। तो क्या हुआ कि अब क्या है कि अगर कोई, जैसे कि मेजॉरिटी है श्रीलंकन में, श्रीलंका में सिन्हालीज की मेजॉरिटी थी, अगर कोई मेजॉरिटी के कॉज के लिए लड़ेगा तो डेफिनेटली मेजॉरिटी है तो वोट्स उनको मिलेंगे, तो इजीली पावर में आ सकता है। तो जयवर्धने ने यही चाल चली कि वो, उसने लैंग्वेज मूवमेंट को लीड किया कि जो सिन्हालीज है वही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इतने उसके बाद वो जैसे इलेक्शंस में आए तो सिन्हालीज ने उनको भर भर के वोट्स दिए, तो जितवा दिया। उसके बाद है
कंसीडर ऑल पावर्स इन हैंड, तो उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सारी पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर ली, तमिल्स को एकदम से बाहर कर दिया, उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए। उसके बाद शुरू हुई राइज ऑफ मिलिटेंसी। अप टिल नाउ तमिल मूवमेंट वॉज पीसफुल, अब तक जो था तमिल्स का जो मूवमेंट था वो पीसफुल था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन फिर क्या हुआ, हाउएवर जयवर्धन अप्रोच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब तमिल्स जो थे अब तक जो थे पीसफुली लड़ रहे थे और पीसफुल उनका मूवमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, कुछ भी वायलेंट उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जब जयवर्धन प्रेसिडेंट बने उन्होंने एकदम से तमिल्स से सारे राइट्स छीन लिए, उनको कुछ भी नहीं दिया, तो तमिल्स को होप जो थी उनकी वो खत्म होने लगी, क्योंकि सिन्हालिस से ही थे वो भी, सिन्हाला को कम्युनिटी को ही जैसे बिलोंग करते थे उस रीजन को जयवर्धने, तो इंडिया भी कुछ खास कर नहीं सकता था उनके लिए। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली जो तमिल से वहां पे, तो ऑर्गेनाइजेशंस तो इसलिए बनाए गए थे ताकि वो तमिल्स के राइट्स के लिए लड़े, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन ने वायलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करना शुरू किया जिसकी वजह से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाने लगा, जैसे LTTE है, प्लॉट टल्फ, ये वाली अलग अलग बनी ऑर्गेनाइजेशंस। इट वाज रियलाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विल नॉट हेल्प, जैसे उनको फिर समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जयवर्धने ने पूरी तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऐसा बना दिया गया था कि तमिल्स को बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा हो जैसे कि हमारा, जैसे कि आप कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए कि हर हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हर इंसान जो है अपने हक के लिए लड़ सकता है, लेकिन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल्स को कोई राइट ही नहीं दिया गया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लड़ते भी कैसे लड़ते, क्योंकि अगर वो अगर वो जुडिशरी के पास भी जाते जुडिशरी भी उनको हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उनके उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स ही नहीं दिए गए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, सो इसलिए इन्होंने वायलेंट एक्टिविटीज शुरू कर दिए। सो जयवर्धनेज फॉरेन पॉलिसी वॉज एंटी इंडिया, क्योंकि वो सिन्हाला को बिलोंग करते थे तो उनकी जो पॉलिसी थी वो एंटी इंडिया थी, इंडिया के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। सो इट वॉज द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, ही ट्राई टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट विद USA, तो उन्होंने कोशिश करी कि USA के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन किया जाए। हैंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड हेल्पिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो अब इंडिया के ऊपर और भी प्रेशर बन रहा था क्योंकि तमिल्स की सिचुएशन, श्रीलंकन तमिल्स की सिचुएशन और भी खराब हो रही थी, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से बहुत प्रेशर बन रहा था इंडिया को, तो इंडिया ने क्या किया, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से मानता नहीं था, क्योंकि इनको लगता था कि तमिल्स जो हैं वो अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनको सपोर्ट करना इंडिया ने शुरू कर दिया। अमंग ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो LTTE थी ये लेड बाय प्रभाकर इमर्ज्ड एज मोस्ट पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन श्रीलंका बट इन वर्ल्ड, इट हैज इट्स ओन एयरफोर्स, तो यहाँ पे जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसमें जो LTTE थी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट पावरफुल थी, इवन इनकी अपनी एयरफोर्स तक थी, इतनी पावरफुल ये ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसके बाद है ऑपरेशन वडा मार्शल, तो ये वाला जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 1987 में था, श्रीलंकन फोर्सेस पुट एम्बार्गो अराउंड जाफना टू कंपेल LTTE टू ले डाउन द आर्म्स, तो यहाँ पे क्या हुआ था, श्रीलंकन जो फोर्सेस थी उन्होंने पूरा जैसे इस एरिया के आसपास अपनी फोर्सेस छोड़ दिए थे, जो सिन्हाया जो जाफना एरिया था जहाँ पे श्रीलंकन तमिल से, ताकि यहाँ की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हथियार फेंक दें। उससे उसके बाद जो है ये श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑपरेशन था, उसके बाद एक और ऑपरेशन चला पुमालाई 1987, नाम कैसे अजीब अजीब से हैं। सो सिंस द एक्शंस ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट क्रिएटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेंड द रिलीफ थ्रू द नेवी, तो इसमें ये वाला ऑपरेशन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चलाया ताकि जो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हथियार फेंक दें। एक ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया ताकि वो, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया को लगा कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑपरेशन है इससे क्या है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया है, इतने वहां पे जो लोग हैं, अब सारे तमिल्स तो टेररिस्ट नहीं थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, सब लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया था, आम लोग जो इनोसेंट लोग थे वो भी वहां पे मर रहे थे, तो इंडिया ने क्या किया इस ऑपरेशन के अंडर अपना रिलीफ जो रिलीफ थोड़ी रिलीफ का ले जैसे खाने पीने के लिए ऐसी चीजें वहां पे भेजनी शुरू कर दी, अपनी नेवी के थ्रू शुरू किया, इट वॉज स्टॉप्ड बाय श्रीलंकन फोर्सेस। अब क्या था, जैसे ये श्रीलंका है यहाँ पे जाफना है तो यहाँ इसके आसपास तो श्रीलंका की फोर्सेस थी,
तो इन्होंने इंडियन फोर्सेस को नेवी को यहाँ पे आने ही नहीं दिया, हैंस इन वायलेशन ऑफ श्रीलंका एयर स्पेस। तो अब क्या हुआ कि नेवी तो यहाँ पे पहुंच नहीं सकते थे, नेवी के थ्रू यहाँ कुछ नहीं हो सकता था आसपास, तो इंडिया ने क्या किया, एयर फोर्सेस के थ्रू जो है रिलीफ देना शुरू किया जाफना को, जाफना जो प्रोविंस है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, दस मेकिंग इम्बार्गो इररेलेवेंट। तो क्या हुआ कि अब इम्बार्गो का कोई फायदा नहीं रह गया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो किया था, क्योंकि अब क्या था, इंडिया ने जो एयरफोर्स के थ्रू वहां पे सामान जितना भी जरूरत का रिलीफ का सामान था वो वहां पे ड्रॉप करना शुरू कर दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट रियलाइज दैट सो लॉन्ग इंडिया इज देयर टू सपोर्ट एलटीटीई दे कैन नॉट डिफीट देम। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि जब तक इंडिया श्रीलंकन तमिल्स को हेल्प करेगी करेगा तब तक हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1987 में इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड होता है एक साइन। तो क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक इंडिया इनको सपोर्ट करता है, तो इससे अच्छा है कि हम इंडिया के साथ कोई अकॉर्ड साइन कर ले। तो उसके बाद क्या हुआ था, वाई श्रीलंका एक्सेप्टेड द अकॉर्ड। तो अब क्या है कि अगर अकॉर्ड हुआ तो श्रीलंका ने क्यों एक्सेप्ट किया, जो कि उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, इन्होंने ऑफर किया था अकॉर्ड एक्चुअली ऑफर्ड, बट श्रीलंका वॉन्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन एलटीटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज टू बी नोटेड दैट इट वॉज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड एलटीटी। तो यहाँ पे क्या था, इंडिया ने जो किया था अकॉर्ड वो इस तरह से था कि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और एलटीटी के बीच में हो ताकि सिचुएशन जो है वो सुधर सके। इंडिया एंटर इनटू अकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एलटीटी। तो क्या हुआ कि जो एलटीटी जो वहाँ की सबसे पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बिहाफ पे एक तरफ पे इंडिया था, इंडिया उनकी डिमांड्स को एलटीटी जो था जो तमिल्स के राइट्स के लिए काम कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके बिहाफ पे एक साइड पे इंडिया था एक साइड पे श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, तो दोनों के बीच अकॉर्ड साइन हो गया। एलटीटी वॉज नॉट इवन पार्टी टू अकॉर्ड। अब क्या हुआ कि इंडिया और एलटीटी के बीच में भी कुछ खास बन नहीं रही थी, क्योंकि एलटीटी को जब लगा कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता है हमारे लिए, तो उन्होंने अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से चलानी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया को दिक्कत थी कि इंडिया को जो है, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी इसका असर पड़ता है, सो इंडिया ने सोचा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ कोई अकॉर्ड साइन किया जाए। तो एलटीटी के बिहाफ पे इंडिया ने किया तो सही, लेकिन एलटीटी ने खुद उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो हैंस नो ऑब्लिगेशन ऑन एलटीटी। सो एलटीटी के बिहाफ पे साइन तो किया, जब एलटीटी उसको पार्टी ही नहीं, उसकी उसके अंडर पार्टी नहीं बनी, तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं थी। सो अकॉर्ड क्या था, इसके अंडर क्या था, इट हैज टू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स। इसके अंदर दो सेट ऑफ एग्रीमेंट्स है। फर्स्ट क्या था, विच इज रिलेटेड टू इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। एज पर द एग्रीमेंट श्रीलंका विल नॉट अलाउ प्रेजेंस ऑफ आर्मी एंड अदर फोर्सेज ऑफ एनी अदर कंट्री ऑन इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे एक तो था इंडिया के खुद के नेशनल जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था उसके लिए था कि श्रीलंका जो है विल नॉट अलाउ द प्रेजेंस ऑफ आर्मी एंड अदर फोर्सेस, वो किसी भी तीसरी कंट्री की फोर्सेस को अपनी टेरिटरी पे अलाउ नहीं करेगी। जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि अगर वहां पे चाइना या फिर यूएसए, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम था, जो श्रीलंका था वो यूएसए के पास आ रहा था, तो इंडिया को डर था कि कहीं यहाँ पे दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए इंडिया ने जानबूझ के ऐसा किया कि अकॉर्ड में जो फर्स्ट एग्रीमेंट था वो यही था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है अपनी टेरिटरी पे किसी थर्ड कंट्री की आर्मी को अलाउ नहीं करेगी, नो डॉकिंग ऑफ सबमरीन्स, नो नावल शिप्स एट श्रीलंकन हार्बर, क्योंकि बाकी कंट्रीज के अगर यहाँ पे आएंगे नावल शिप्स वगैरह तो इंडिया को दिक्कत है। इफ मिलिट्री पर्सनल ऑफ एनी अदर कंट्रीज प्रेजेंट इन श्रीलंका इट कैन बी डन ओनली विद द प्रायर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे इंडिया बाकी अपने नेबर्स के साथ जैसे ट्रीटीज वगैरह नेपाल एंड भूटान के साथ किए, तो थोड़ा श्रीलंका के साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंका के साथ काफी लेट किया गया क्योंकि उससे पहले जो था वैसे ही इश्यूज बहुत ज्यादा थे, तो फ्रेंडली कुछ था नहीं। तो यहाँ पे इंडिया ने एडवांटेज लेने की कोशिश की, उनको यही ट्रीटी जैसे बाकी ट्रीटीज में थोड़ा बहुत तो होती है, इनकी शर्त यही शर्त थी कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पे किसी भी तीसरी कंट्री के मिलिट्री पर्सनल को यहाँ नहीं आने देंगे, अगर वो आने दे रहे हैं तो इंडिया की पहले इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी तब वो यहाँ पे आने दे सकते हैं। उसके बाद है सिंस 2014 श्रीलंका हैज वायलेटेड द एग्रीमेंट बाय अलाउइंग द डॉकिंग ऑफ चाइनीज सबमरीन्स। अब क्या हुआ कि ये वैसे तो एग्रीमेंट 1987 का है,
लेकिन अब जो है 2014 में इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है, पहले तो श्रीलंका ने मान लिया था, लेकिन 2014 में श्रीलंका ने इस एग्रीमेंट को जो है वायलेट किया और चाइनीज सबमरीन्स को यहाँ पे आने दिया, वो भी इंडिया की परमिशन के बिना। उसके बाद जो हम्बन टोटा पोर्ट हैज बीन सीन एज चाइनाज नावल पोर्ट, तो ये चाइना को दे दिया गया है पोर्ट, यहाँ पे चाइना काम कर रहा है, श्रीलंका का ये पोर्ट है। इट इज द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड स्ट्रिक्टली लिमिटेड चाइनीज एक्टिविटीज टू कमर्शियल ऑपरेशन एज ऑफ नाउ। तो अब क्या हुआ कि अभी जैसे श्रीलंका के साथ हमारे थोड़े बहुत रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशराइज किया श्रीलंका को, तो इसके प्रेशर के चलते ही श्रीलंका ने इंश्योर किया कि चाइनीज की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ किया जाएगा, उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दूसरा जो है डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ श्रीलंका जो हम पढ़े थे, दूसरा जो एग्रीमेंट है डोमेस्टिक, जो एक एग्रीमेंट था इंडिया के अपने नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से रिलेटेड था, दूसरा डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ श्रीलंका से रिलेटेड था, ताकि श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। इंडिया ऑफर द फॉर्मूला फॉर रिकंसिलिएशन, तो इसके अंडर क्या था, एक तो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन श्रीलंका विच हैज बीन अ यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे श्रीलंका को प्रेसिडेंशियल, यहाँ पे श्रीलंका में प्रेसिडेंट के हाथों में ज्यादा पावर थे, तो इंडिया ने कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जितनी भी प्रोविंसेस हैं अलग अलग स्टेट्स हैं उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पूरा यूनिटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। LTTE was fighting for independent state. Formula did not offer even federalism, never accepted by LTTE. अब LTTE क्या कर रहा था, वो independent state की मांग कर रहे थे, उनको चाहिए था कि उनका जो जाफना वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जहाँ पे वो ज्यादा है, तो वो उनका इंडिपेंडेंट स्टेट हो, क्योंकि उनको श्रीलंका के साथ पूरे स्टेट में तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है, तो ऐसे फॉर्मूले को LTTE ने एक्सेप्ट नहीं किया था। थ्री लैंग्वेज का जो फॉर्मूला था, तमिल हैज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस, लिंक विल बी डन बाय इंग्लिश लैंग्वेज, सीन बाय सिन्हालीज एज इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे एक इंडिया ने जो थ्री लैंग्वेज वाला फॉर्मूला दिया था, वहां पे उन्होंने सिन्हालीज तो चलो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ही होगी, साथ में तमिल और इंग्लिश भी होंगी, जिसको जो सिन्हालीस है वहां पे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है कि अब कोई बाहर की कंट्री आके हमें बताएगी कि हमें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रखनी है। तो अब क्या हुआ कि स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है, अबव कॉल लेड टू 13th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। तो क्या हुआ कि जो अब जितने भी ये अकॉर्ड साइन हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो है 13th अमेंडमेंट होनी थी श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बट कुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थन प्रोविंस ड्यू टू मिलिटेंसी। अब क्या हुआ कि जो किस तरह से इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया गया, उसके अंडर ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी श्रीलंका में जितनी भी प्रोविंसेस थी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में वहां पे नॉर्थन प्रोविंसेस में ड्यू टू मिलिटेंसी, क्योंकि वहां पे मिलिटेंट से जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे जैसे LTTE या जैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एरियाज में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। व्हाट वर मिस्टेक्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के क्या क्या मिस्टेक्स है। इंडिया गेव यूनिलेटरल अश्योरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, तो इंडिया की सबसे बड़ी यही दिक्कत थी कि इंडिया ने LTTE के बिहाफ पे एग्रीमेंट साइन करके श्रीलंकन गवर्नमेंट को इंश्योर कर दिया था, लेकिन वो ये अश्योरेंस यूनिलेटरल था। उनको जो है LTTE, इंडिया को जो है LTTE से भी तो बात करनी चाहिए थी, जब इंडिया LTTE के बिहाफ पे काम कर रहा था, तो इनको डेफिनेटली LTTE के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी कि वो क्या चाहते हैं, और कोई मीडिएट सोल्यूशन भी तो हो सकता था। दिक्कत वही थी, इंडिया ने चल के साइन कर दिया, LTTE ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद जो है इंडिया ने एश्योरेंस दी श्रीलंका को, क्या थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द रिफॉर्म्स, इंडिया विल इंश्योर LTTE टू ऑब्जर्व द सीज फायर। तो इंडिया ने ये भी कह दिया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट अगर जो हमने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं वो कर देता है, तो LTTE जो है अपनी एक्टिविटीज पे रोक लगा देगा, वो हथियार फेंक देगा, ऐसा इंडिया ने कहा। लेकिन LTTE तो ऐसा करना चाहता ही नहीं था। हाउ इंडिया विल इंश्योर, इंडिया विल सेंड इंडियन, तो इंडिया ने कहा कि वो इंडिया क्या करेगा, पीस कीपर्स को भेजेगा वहां पे, ऑन द कंडीशन श्रीलंकन फोर्सेज आर सेंड टू बैरिक्स वॉर बिटवीन IPKF एंड LTTE। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने कहा कि अगर आप रिफॉर्म्स कर देते हो, श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स कर दोगे, तो क्या होगा कि हम वहां पे इंडियन पीस कीपर फोर्सेज जो है, पीस कीपिंग फोर्सेज जो है उनको भेज देंगे, और जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, जितनी उन्होंने अपनी मिलिट्री इधर उधर लगाई हुई है एरिया में उसको वापिस भेजना होगा।
तो उसके बाद वॉर शुरू हो गई जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थे और एलटीटी के बीच, क्योंकि एलटीटी जो है इंडिया की कंडीशंस को मान नहीं रहा था, तो इंडिया ने जब पीस कीपर्स भेजे तो एलटीटी की उनके साथ लड़ाई हुई। श्रीलंकन गवर्नमेंट समहाउ मैनेज्ड वायलेंट इंसिडेंट्स अगेंस्ट तमिल्स इन साउथर्न पोर्ट, इट गेव एक्सक्यूज टू एलटीटी टू ओपन फायर, तो वहां पे कुछ सुधरा नहीं। श्रीलंकन फोर्सेस वर इन बैरिक्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बिकेम टारगेट। तो अब क्या हुआ कि श्रीलंका ने तो अपनी फोर्सेस को वापस ले लिया था, अकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया था, जब इंडियन ने पीस कीपर फोर्सेस वहां पे भेजे थे श्रीलंका ने अपनी आर्मी को वापस ले लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो इंडियन पीस कीपर फोर्सेज थे वो फोर्सेज के जो लोग थे एलटीटी ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज मिशन वॉज सेंट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड कंसल्टेशन। तो इंडिया का जो जो इंडियन पीस कीपिंग वाला मिशन था वो भी बिना प्लानिंग के भेजा गया, क्योंकि भेजा तो इस तरह से गया था कि वो एलटीटीई को हेल्प करेगा, लेकिन एलटीटीई ने तो उनके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया। सिंस इट वॉज पीस कीपिंग ऑपरेशन दस लैक्ड ऑफेंसिव वेपन्स। अब एक होते हैं पीस कीपर, एक होते हैं पीस मेकर्स। तो पीस कीपर, पीस कीपिंग ऑपरेशन और पीस मेकिंग में क्या होता है कि नॉर्मली पीस कीपर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स उनके पास होते हैं कि अपने आप को, अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जो पीस मेकिंग वाले होते हैं, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग मिशन होता है, उनके पास होते हैं ऑफेंसिव वेपन्स कि अगर उनको लगे कि कोई उनके ऊपर अटैक कर सकता है वो उनको भी अटैक कर सकते हैं पहले। लेकिन ये पीस कीपर मिशन था, पीस कीपिंग मिशन था, पीस कीपर्स थे, उनके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स थे नहीं, सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स से ज्यादा कुछ नहीं था। तो एलटीटी ने उनको अटैक किया, तो उसकी आउटकम क्या आई? तो आउटकम में है कि वॉर बिटवीन एलटीटी इन इंडिया अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। तो इन सब इश्यूज की वजह से जब लगा कि तमिल्स के साथ कुछ हो नहीं रहा है तो यहाँ पे हमारे तमिलनाडु के लोग भड़क गए, तो यहाँ पे इसकी वजह से ही राजीव गांधी जी को मार दिया गया था कि इन्होंने अकॉर्ड साइन किया है उसकी वजह से कुछ हुआ नहीं ऐसा करके। उसके बाद है व्हाट वाज इंडियाज पॉलिसी आफ्टर वॉर। तो वॉर खत्म होती है जैसे, तो इंडिया की पॉलिसी कैसी थी वहां पे? तो इंडिया ने अब क्या किया, अब इंडिया ने अपने प्राइम मिनिस्टर को खो दिया इस इशू की वजह से। तो इंडिया ने एकदम से अपना इस इशू से किनारा कर लिया, श्रीलंका को बोल दिया कि आपको एलटीटीई के साथ जो करना है आप करिए, वहां के उनके तमिल्स को मारिए, जो करना है करिए, लेकिन अब जो है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमने जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को इस कॉज के चलते खो दिया है। सो हैंड ओवर पॉलिसी, तो इन्होंने क्या अपनी पॉलिसी को हैंड ओवर कर दिया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप जो करना चाहते हैं करिए। सो नो इन्वॉल्वमेंट की इनकी पॉलिसी थी। दिस लीड वाज गिवन टू नॉर्वे, तो नॉर्वे गवर्नमेंट को दे दिया गया था लीड कि आपको जहां यहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं। तो जो तमिल एलम वॉर थी तो वो लास्ट वॉर थी जो अब तमिल, क्योंकि एलटीटीई वाले तो अभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ वॉर में लगे हुए थे। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।